ओ नर्मदा मैया की जय। आज हम भावनाथ बाबा की टेकरी आए हैं। भावनाथ बाबा की टेकरी जो है आमली घाट से 2 किलोमीटर दूरी पे पड़ती है। ये जिला होशंगाबाद में आते हैं और ग्वाड़ी गांव के पास में है। तहसील मालवा सिवनी लगता है। यहाँ पे बाबा की टेकरी है ऊपर। ये ऐतिहासिक स्थल है, पांडवकालीन ऐतिहासिक स्थल है। और हम ऊपर जा रहे हैं भावनाथ बाबा की टेकरी के ऊपर। लेकिन ऊपर जाने से पहले हम एक बार गांव में जाएंगे। गांव में यहाँ के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनसे यहाँ की ऐतिहासिक जानकारी लेना चाहते हैं। हम ऐतिहासिक जानकारी लेकर फिर हम ऊपर भावनाथ बाबा के ऊपर दर्शन करने जाएंगे। वहाँ के आपको ऐतिहासिक स्थल के बारे में थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। नर्मदे हर जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, भावनाथ बाबा की जय। अम्मा जी नर्मदे हर। अम्मा जी, अम्मा जी ये भावनाथ बाबा की टेकरी है। यहाँ लोग आते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। तो मनोकामना पूरी होती है यहाँ? होती है पूरी। तो आप यहाँ कितने साल से रह रही हैं अम्मा जी? हम तो कम दिन हो गए, 25-30 साल हो गए होंगे। अच्छा, यही उम्र निकल गई तो 60 साल होने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ पे लोग मेला भी लगता है अम्मा जी? मेला भी लगे ना, अच्छा, हरियाली अम्मावश मेला लगता है। तो यहाँ पे लोग आते हैं और मनोकामना पूरी होती होगी, इसके बाद भी आते होंगे लोग? आते दादाजी। नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर। दादाजी हम यहाँ भावनाथ बाबा की टेकरी पे आए हैं और आप यहाँ के गांव के सबसे बुजुर्ग के हिसाब से आपको काफी ज्यादा जानकारी है बाबा जी। तो हम चाहते हैं कि ये भावनाथ बाबा के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी आप दें तो मतलब तो क्या है यहाँ? हाँ जी, ये जानकारी मैं दे रहा हूँ साहब आपको कि ये जो है पुराना स्थान है, प्राचीन काल। जी जी जी, कोई नया नहीं है। यहाँ पर कई साधु संत आ गए हैं और पुराने यानी पांडवों के ज़माने से भी इस इतिहास को अगर देखा जाए तो यहाँ तक का मैं सबूत देता रहा हूँ। जी जी जी, ये आश्रम जो वहाँ से भी जागरूक है। जी जी जी, और इस बीच में उन्होंने मंदिर अंदिर बनाया था जो बादशाही मुसलमानों के शासन काल में जो है मंदिरों को जो है तोड़वा दिए थे बाबर के जमाने में। जी जी जी, आज भी वहाँ शिलालेख वो शिलाखंड पड़े हैं। वहाँ काल के जो बड़े बड़े पत्थर चीरा पड़े हैं, मूर्तियाँ पड़ी हैं। जी जी जी, जो चित्र बने हुए हैं। हाँ जी जी, पत्थर नहीं। तो इस प्रकार की जो है वहाँ पर पुरानी धरोहर रही है। और भी साधु संत वहाँ फिर बाद में आते रहे, लेकिन अब ऊपर कोई छाया वगैरह कुछ भी नहीं है, इसलिए आते हैं, कुछ रुकते हैं, कुछ चले जाते हैं। जी, अच्छा बताते हैं बाबा दादाजी के वहाँ जाते हैं भाव लेके तो इंसान की इच्छाएं मनोकामना। हाँ, भावना भी होती है पूरी। तो अच्छा, भावनाएं पूरी होती हैं। भावना पूरी होने का आपको बताएं, बहुत दूर राजस्थान तक के लोग आते हैं। जी जी जी, ये हरदा है, इधर तुम्हारे टिमरनी है, खंडवा तक के लोग आते हैं ना गर्मी में, सब भंडारा देते हैं, मनोकामनाएं हकीकत पूर्ण होती कई लोग। ये मरदान पुरुष पार है ना। हाँ जी जी, आते पूजने आते हैं भावना, जो भावना। अच्छा बाबा जी, ये बता दें पांडवकालीन इतिहास है यहाँ का, पूरा पांडवकालीन, तो उसका कैसा क्या है, कैसा क्या है पांडव टेकरी जो है? जी, उसी जमाने से जो है ये धूना चेता हुआ चला आ रहा आज तक। जी जी, और उस जमाने से आज तक जो अभी भी कई कई लोग जो है एक नाथ महाराज पूजा भी करते हैं। जी जी, अम्मास पूनो और भी आप अपन में से कई लोग जाते हैं आड़े दिन भी जो है धूप दी, वही जिसकी मनोकामनाएं सीधी सा नाम ये मतलब एक सिद्ध स्थान है। काफी है, काफी सिद्ध स्थान है और मनोकामनाएं पूरी होती है। लोगों को जानकारी नहीं है यहाँ के बारे में, कई लोग जानकारी नहीं है। जी जी जी, काल की ये धरोहर रही साहब, और प्राचीन काल में ये बड़ा भारी बियाबान जंगल था। जी जी जी, ये तो लगभग आज से 25 वर्ष के इधर ऐसा मान ले, नहीं तो यहाँ पहाड़ में आपको शेर जंगली शेर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ बारह मास जंगली शेर। वो बताते हैं जो गुफा है वहाँ, वहाँ शेर शेर रहता था वहाँ। दादाजी अभी भी अगर अपन यहाँ पे कोई आता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है? होती ना, ये मनोकामना के बारे में तो आप इस पर निश्चित ही भरोसा करेंगे। अच्छा अच्छा, ये मारवाड़ी समाज के लोग जो जाट माट वगैरह अन्य लोग जाते हैं, हरदा तक खंडवा तक के लोग आते। जी जी जी, हाँ वो सिद्ध स्थान तो है। भावनाथ बाबा नाम से तो आप ऐसा माने, नाथ संप्रदाय नहीं, भावन यहाँ मनोकामना पूर्ण है ना, भावना पूरी। अच्छा, भावना पूरी होती। और वैसे भी पुराना शिव मंदिर वहाँ पे था, नागेश्वर महादेव का मंदिर था जो मुसलमान शासकों ने तोड़वा दिया था। वो तो बाबर ने तोड़वाया, बाबर ने तोड़वाया था ये। बाबर बाबर के शासन काल में ही सारे विश्व के बाबर मुसलमान शासकों ने अपने हिंदू धर्म के हिंदू धर्म का सारे सारे मंदिरों को तोड़वाया है। सब नष्ट करें। हाँ, नष्ट करें, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। और नहीं तो आज अपनी बहुत अच्छी धरोहर थी। धरोहर थी ना, तो चूड़िया म्याल जो थी ना,
वो गिल्ली डंडा के नाम से ही थी, और वो जितना वो पत्थर वाला ये कार्यक्रम वो पांडवों का ही है, ये लोकल आदमी की थोड़ी गुजर गुजर। अच्छा पांडवों ने बनवाया होगा वो मंदिर? मुनि के था, उनका कार्यक्रम था ना, जब 12-14 बरस वो यहाँ पर रुके, और वहाँ पर जो है कुछ नहीं बचा, वो तो उनका रजवाड़ा सब साफ हो गया। अब वो मेरे को यही समझ पट की ये कि नकुल ने जो है नानपा के अंदर 12 बरस तक उसने अपने अंगूठे के पैर के बल पर 12 साल तपस्या करी, पर ना माँ नर्मदा खुश नहीं हुई उनसे, सीधी सी बात। फिर क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ फिर, उनने जब भी कहीं चले गए या समा गए, उन्होंने कह दिया जाओ ये कलयुग में बार बार सोमती अमावस्या पड़ेगी और बार बार चुन पुन होते रहेंगे। उन्हें नर्मदा जी को रोकी, कुंती माता ने कहा, कहने लगे इसके साथ में शादी कर लो, लेकिन नर्मदा जी किसी भी तरीके से रुकी नहीं, रुकी नर्मदा जी। हाँ अभी अवली घाट में आप जाइए, उस पार जाकर का आप देखो, बिल्कुल ये दीवार के पत्थर जुड़े ऐसे पत्थर, हाँ, पत्थर रखे हैं, वो उन्हीं के जमाने के गुरु जी ने रखे, पांडवों के जमाने के ही हैं, यानी उन्होंने नर्मदा जी को रोकने का बड़ा प्रयास किया। तो ये जो है अब वो सनन के बारे में, तो फिर अब उसकी जानकारी बारीकी हो गई, वो कैसे बताएंगे जी। बताते हैं लोग कि आंवली घाट में जो है बड़ा यहाँ का महत्व, जो नहाने धोने का रुकने का जो है वो नर्मदा जी के हर जगह ही है, वो तो फिर ऐसा नहीं है कहीं। हाँ मतलब आंवली घाट काफी सिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध स्थल है, और आप विचार करिए होशंगाबाद के लोग नहाने आते हैं ना, आंवली घाट आते हैं ना, इंदौर तक के भोपाल तक के लोग आंवली घाट नहाने आते हैं। हम आंवली घाट चले, आंवली घाट काफी सिद्ध क्षेत्र है, ऐसा यहाँ का महत्व है आपको बताए। तो ये बड़ी विचित्र सी जगह है, और उन पुरजनों के आशीर्वाद से ही इसका नाम भी विख्यात है। अब आज के लोगों ने तो कुछ नहीं किया, मगर वो पुराना इतिहास तो है ना, बड़े बड़े महापुरुष हो गए, बड़े बड़े साधु संत भी आते हैं यहाँ पे तपस्या करी है, बड़े बड़े साधु संतों ने, कई लोग पढ़े रहे हैं। या की जय, जय भावनाथ बाबा की जय। हम भावनाथ बाबा की टेकरी जा रहे हैं, ये पांडव कालीन स्थल है, कुंती लेके आई थी पहाड़, माता कुंती इस पहाड़ को लेके आई थी, ये आंवली घाट के पास में है, आंवली घाट से 2 किलोमीटर पड़ता है, आंवली घाट में ही कहलाता है ये, भावनाथ बाबा की टेकरी कहलाता है ये। यहाँ पे जो भी इंसान अपनी भावनाएं लेके आता है बाबा उसको पूरी करते हैं यहाँ पे। जय हो नर्मदा मैया की जय। एक पुरातत्व स्थल है ये, और बताते हैं गांव के लोग, गांव के बुजुर्ग लोग ये भी बताते हैं कि यहाँ पे जो भी अपने भाव लेके आता है भावनाथ बाबा के पास, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई भक्त लोग आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, मनोकामना जब पूरी हो जाती है तो भक्त लोग अपनी श्रद्धा के साथ जो भी उनसे बनता है यहाँ के लिए करते हैं। जय हो भावनाथ बाबा की, जय हो नर्मदा मैया की, जय हो नर्मदा मैया की, जय हो भावनाथ बाबा की जय। आज हम आंवली घाट से भावनाथ बाबा की टेकरी पर हैं, भावनाथ बाबा के दर्शन करा रहे हैं, और ये पांडवकालीन पुरातत्व स्थल रहा है, यहाँ पे पांचों पांडव और माता कुंती यहाँ पे भावनाथ बाबा की इस टेकरी पे रहती थी। गुफा भी है पहले की, यहाँ पे हम गुफा के भी दर्शन कराएंगे, और अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं माँ नर्मदा जी के दूर दूर तक दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं माँ नर्मदा जी के, यहाँ से बहुत ही मनोरम दृश्य लग रहा है, यहाँ से माँ नर्मदा जी हमें बहुत ही सुंदर लग रही हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय, जय नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया। यहाँ से नर्मदा जी मैया बिल्कुल हमको बहुत ही सुंदर दिखती हैं, दूर दूर तक दर्शन होते हैं मैया के। जय हो नर्मदा मैया की, जय नर्मदा मैया की। मैया के काफ़ी दूर तक दर्शन हो रहे हैं, ये हमें आंवली घाट का ब्रिज दिख रहा है यहाँ से, ये आंवली घाट का ब्रिज है, ये मैया के काफ़ी दूर दूर तक दर्शन हो रहे हैं। जय नर्मदा मैया की जय, जय हो जय हो जय हो, जय नर्मदा। ये सामने से, ये सामने यहाँ पर ये सलकनपुर माता का मंदिर भी दिख रहा है यहाँ से, सामने जो पहाड़ी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, और वहाँ पे सलकनपुर माता बीजेशन देवी माता का भी मंदिर हमें यहाँ से दिखता है भावनाथ बाबा की टेकरी से। बहुत ही सुंदर स्थान है यहाँ पे, माँ नर्मदा जी के काफ़ी अच्छे दर्शन हो रहे हैं, सुंदर दर्शन हो रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय,
जय हो भावनाथ बाबा की जय। ये भावनाथ बाबा, जय भावनाथ बाबा की जय। भावनाथ बाबा का ऐसा बताते हैं कि जो भी भक्तगण, जो भी इंसान जो है, जो भी श्रद्धालु हैं, वो भाव लेके आते हैं भावनाथ बाबा से, तो भावनाथ बाबा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं, ऐसा बताया जाता है। गांव के लोग और यहाँ के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि भावनाथ बाबा के पास जो भी आता है, उनकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती हैं। ज़्यादातर निसंतान दंपत्ति भी यहाँ पे आते हैं, तो उनकी भी मनोकामना भावनाथ बाबा पूरी करते हैं। यहाँ पे पान प्रसाद चढ़ाते हैं, तो बाबा द्वारा मनोकामना पूरी की जाती है। जय हो भावनाथ बाबा की, जय हो नर्मदा मैया की जय। देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है यहाँ से चारों तरफ का दृश्य। ऊपर पहाड़ी है ये। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत ही मनोरम दृश्य लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से देखने में। चारों तरफ दर्शन करा रहे हैं बाबा की टेकरी पे से। यहाँ पे ये पांडव कालीन ने भी रहा है, यहाँ पे अर्जुन भीम के गिल्ली डंडा भी है, बताते हैं उन्हें यहाँ गिल्ली डंडा खेलते थे, तो वो भी है यहाँ पे, हम उसके भी दर्शन करा रहे हैं आपको। जय हो भावनाथ बाबा की जय। यहाँ भावनाथ बाबा के यहाँ हरियाली अमावस्या पे काफ़ी बड़ा मेला लगता है। इस पहाड़ी पे पैर रखने की जगह नहीं रहती, इतने श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पे, इतने भक्तगण आते हैं, हरियाली अमावस्या पे ही लगता है बस, है ना। हरियाली अमावस्या पर एक साल में एक ही बार यहाँ पर मेला लगता है, भक्तगण आते हैं काफ़ी। जय हो भावनाथ बाबा की जय। जय यहाँ से माँ नर्मदा जी के बड़े ही सुंदर दर्शन होते हैं। जय हो नर्मदा मैया की। हाँ जी, महाराज की मूर्ति है यहाँ पे, ये बाद में स्थापित की गई है। ये भैरवनाथ बाबा की, ये भी बाद में स्थापित की गई है मूर्ति भक्तों द्वारा। और ये अंदर गुफा है, ये अंदर भोले बाबा हैं। गुफा की तरफ जा रहे हैं हम, देखेंगे बाद में। जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये अंदर गुफा है, इसमें भोले बाबा विराजमान हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बहुत पुरानी गुफा है ये। जय हो, जय हो भोले बाबा की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो, जय ओम नमः शिवाय, 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 ओम जय हो, जय हो, जय चमगादड़ है, चमगादड़। जय भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत चमगादड़ से बकरी है। हाँ, चमगादड़ तो बहुत है यहाँ पे। बहुत पुरानी गुफा है ये, पांडवकालीन गुफा है, और ये मंदिर भी पांडवकालीन है। ये क्या बने इधर? प्राचीन स्थल तो काफी मिल जाएंगे अपने को, लेकिन है क्या दीपक जले, ये क्या बना है? भाई भावनाथ बाबा की टेकरी पे हैं, पुरानी गुफा है, पांडवकालीन गुफा है। यहाँ पे पांडव यहाँ पे रहे थे वनवास के टाइम, और ये तपस्वी स्थल रहा है। यहाँ पे कई तपस्वियों, बड़े बड़े ऋषि मुनि और संतों ने यहाँ पे तपस्या करी है। कहा भी जाता है कि आमली घाट जो है देवी देवताओं का घाट है, वो सिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध घाट है। ये आमली घाट का पूरा क्षेत्र ही जो है काफ़ी सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। पुराणों में भी कहा यह है कि इंद्र जोन है ये,
यहाँ पे जो भी तपस्या करता है उसका फल बहुत जल्दी मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे ऋषि मुनि साधु संत सभी लोग आते हैं, तपस्या करने आते हैं। कहा जाता है कि आंवली घाट पे कमंडल से कमंडल लगे हुए हैं, मतलब इतने ऋषि मुनियों ने यहाँ पे तपस्या की है कि बिल्कुल कमंडल से कमंडल चिपके हुए हैं उनके। और आज भी यहाँ पे हमें ऋषि मुनि तपस्या करते हुए मिल जाते हैं, उतने नहीं मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी आज यहाँ पे सिद्ध संत हैं। और ऐसे संत हैं जैसे हमारे यहाँ पे मोनी बाबा जी हैं, उनके पास कोई ताम झाम नहीं है, लेकिन उनको देखते से ही हमारा मन पवित्र और हमारा मन शांत हो जाता है, उनमें विलक्षण पावर है। लेकिन बस ये है कि वो अपने पावर का चमत्कार नहीं दिखाते हैं। यहाँ पे ताम झाम वाले साधु संत आपको आमली घाट पे नहीं मिलेंगे, यहाँ पे सिद्ध साधु संत मिलेंगे आपको। जय हो नर्मदा मैया की, जय हो भावनाथ बाबा की, जय भोले। काफ़ी मनोरम दृश्य है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में यहाँ से। ये आंवली घाट है और यहाँ पे ये भावनाथ बाबा की टेकरी है। आंवली घाट जो होशंगाबाद ज़िले में आता है और सलकनपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है ये आंवली घाट। बीजाशन माता का मंदिर है सलकनपुर में और वहाँ से 10 किलोमीटर। इसका दक्षिण तट जो है होशंगाबाद ज़िले में आता है और उत्तर तट जो है सीहोर ज़िले में आता है आंवली घाट का। जी नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय महाराज जी। ये भावनाथ बाबा की टेकरी है, आप यहाँ बचपन से ही रह रहे हैं, 35-40 साल आपको रहते हो गए हैं, तो यहाँ के बारे में आपको विशेष जानकारी है। तो ये भावनाथ बाबा की टेकरी क्यों प्रसिद्ध है, थोड़ा सा आप जानकारी देना चाहेंगे महाराज जी? ये साधु संत महात्मा इस गुफा में तपस्या करने के लिए जाने जाते हैं, यहाँ पे तपस्या करने के लिए आते हैं साधु संत महात्मा, एकांतवासा देखते हैं। ऐसी गुफाओं कंदराओं में साधु संत तपस्या करने और उनकी तपस्याएं सफल होती हैं, तो इसलिए वो यहाँ पे तपस्या करने आते हैं। तो उनने ये गुफा और ये भोलेनाथ की स्थापना की थी, इसलिए ये प्रसिद्ध हो गया है। भावनाथ बाबा हैं जो कि भावनाथ बाबा जो भी भावनाएं लेके आते हैं इनके पास, तो वो भावनाएं उनकी पूरी हो जाती हैं। एक भक्त की भावना पूरी हुई थी तो उनके यहाँ संतान नहीं हो रही थी, उनको 63 साल हो गए थे, संतान नहीं हुई, और वो भावना लेके आए तो उनके यहाँ संतान हो गई। संतान हो गई तो उनने कम से कम यहाँ पर लाइटिंग लगवा दी। तो ऐसे भावना जो लेके आते हैं उनकी भावनाएं भावना द्वारा पूरी करते हैं। ये साधु संतों की तपोभूमि है, तपस्या करते हैं संत इसकी वजह से, और ये भूमि तपोभूमि है, यहाँ पे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये भावना महाराज जी, ये पांडवकालीन स्थल है, यहाँ पे बताते हैं कि ये माता कुंती ने ये टेकरी लेके आई थी, ये भी बताते हैं सब लोग, ये सब साधु संत महात्मों के उनने भी बताया कि ये पांडवों की तपोभूमि है, पांडवों ने भी यहाँ पर तपस्या की है। ये माता कुंती पहाड़ लेके आई थी, यहाँ पे नर्मदा मैया को रोकने की उनकी प्रतिज्ञा थी, वो रोक रहे थे, तो ये पांडवों की तपोभूमि है, पांडवों ने इसको बनाया है, तो ये पांडवों की है सब ये। अच्छा, यहाँ पे अर्जुन भीम के वो बताते हैं गिल्ली डंडे भी हैं। हाँ, अर्जुन भीम के गिल्ली डंडे ऊपर रखे हैं, हम उधर जाके बताएंगे उनको। अच्छा, पांडवों के गिल्ली डंडे उनके निशान मिलते हैं, उनका उनका वहाँ पे देखने को मिलता है, और अर्जुन पांडवों के सामान मिलते हैं गिल्ली डंडे वगैरह, तो चल के वहाँ देखेंगे, बताएंगे हम आपको सब। और वैसे भी कहा भी जाता है कि ये आंवली घाट है और आंवली घाट तो तपस्वी क्षेत्र रहा है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यहाँ इतनी तपस्या करी है कि कमंडल से कमंडल लगा पड़ा है। बिल्कुल सत्य है, तो ये सत्य है। तो यहाँ पे ऋषि मुनि पहले तो तपस्या करते थे, आज भी तपस्या करते हैं, और यहाँ के आज भी जो ऋषि मुनि जो हम देख रहे हैं कुछ तपस्या कर रहे हैं, जैसे मोनी बाबा जी हैं जो नर्मदा जी में 6 घंटे लगातार डेली जल में खड़े होकर तपस्या करते हैं, वो सिद्ध संत हैं वो। और ये भी कहा जाता है कि वो उनके पास कोई ताम झाम नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, एक छोटी सी कुटिया में 30 साल से रह रहे हैं, वो 30 साल से तपस्या कर रहे हैं। हाँ, उनको भजन करना है, नर्मदा जी में खड़े रहते हैं, मौन खड़े रहते हैं, नर्मदा जी में भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। यही साधु संत होते हैं, जिनको तपस्या करना होता है, जिनको भजन करना होता है, जिनको परमात्मा प्राप्त करना होता है, वो किसी ताम झाम को कोई माने उनको उनको कोई पसंद नहीं है, न किसी से उनको कोई मतलब रहता है, वो तो अपने परमात्मा से मतलब रखते हैं, भजन करते हैं, और उनको कोई ताम झाम वो नहीं रखते। इनके दर्शन करने मात्र से ही अपने मन को शांति मिल जाती है। इनके दर्शन कर लो समझो अपन को परमात्मा की प्राप्ति हो गई। ऐसे संत बहुत दुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ऐसे संतों के पास बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, जो कि भगवान की प्राप्ति करते हैं वही संत और भगवान के पास पहुंच पाते हैं, बाकी बहुत से लोग देखो आप। तो ये संत महात्मा, ये मौनी बाबा बहुत बड़े संत हैं, बहुत पहुँचे हुए संत हैं, भजन करते हैं, और भजन की सेवा वो कुछ नहीं करते।
नर्मदा जी में ज्यादा उनको मोह लालच भी नहीं है ज्यादा, अगर आप उनको पैसे भी देते हैं तो वो नहीं लेते हैं जी। हाँ, वो जो उनको थोड़ा बहुत सामान दे देते हैं वो उसमें संतुष्ट हो जाते हैं बाबा। बिल्कुल, बहुत बहुत ही सीधे सरल और बहुत ही विलक्षण पावर वाले संत हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। जय हो नर्मदा मैया की। ये भावनाथ बाबा की टेकरी पे हम ऊपर बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ से देखने में, बहुत ही मनोरम लगता है। ऐसा लगता है कि हम यहीं पे बैठे रहें। हमारे साथ महाराज जी हैं, वो गाँव के हमारे पटेल साहब हैं। अभी आराम फरमा रहे हैं, थक गए हैं चल चल के। बोलो नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो नर्मदा मैया की जय। और यहाँ से ये नर्मदा मैया बहुत ही सुंदर दिख रही हैं यहाँ से। जय नर्मदा मैया की जय। और यहाँ से हम देखते हैं सामने तो ये सलकनपुर वाली माता दिखती है यहाँ से, बीजासन देवी। ये पूरा विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और यहाँ से सलकनपुर वाली माता हमें दिखती हैं। ये पूरा क्षेत्र जो है तपस्वी स्थल रहा है। जय नर्मदा मैया की जय। जी यहाँ से सलकनपुर वाली माता का स्थान ये दिख रहा है यहाँ से हमें, वीडियो के माध्यम से हम देख रहे हैं। ये यहाँ पे अलग ही दिख रहा है, यहाँ पे ये मंदिर दिख रहा है सलकनपुर माता का। ये जय हो नर्मदा। और यहाँ से ये नर्मदा मैया हमें बहुत ही सुंदर दिख रही हैं। नर्मदा मैया हैं यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर हैं हमसे, भावनाथ बाबा की टेकरी से। पूरी नर्मदा मैया देखते हैं हम यहाँ से। जय हो नर्मदा मैया की जय। जय नर्मदा मैया। यहाँ से दूर दूर तक मैया के दर्शन होते हैं हमें नर्मदा मैया के। नर्मदे हर महाराज जी। भाई साहब, हम ये जानकारी, आप तो यहाँ बचपन से ही रहे हैं, आपका बचपन यहीं बीता, ये ग्वाड़ी गांव है, ग्वाड़ी गांव से ये भावनाथ बाबा की टेकरी है, तो यहाँ पे क्या इतिहास है, कुछ जानते हैं आप इस यहाँ के बारे में? यहाँ पे अर्जुन भीम ने गिल्ली डंडे खेले थे, यहाँ पे पड़े हैं गिल्ली डंडे ही पड़े हैं। अभी देखेंगे अपन चल के। नर्मदा जी रोकने की कोशिश की थी। अच्छा अच्छा। मुर्गा बन के बोल दिया तो यहाँ पे अर्जुन भीम ने यहीं पे पत्थर पे पहाड़ियाँ यहीं पटक दी। अच्छा, ये यहीं पटक दी। नर्मदा जी इसलिए भी कुंवारी है। अच्छा अच्छा। नागेश्वर महादेव का मंदिर था, लेकिन अब तो यहाँ पूरे शिलाखंड ही बचे हैं यहाँ के, क्योंकि मंदिर तो बचा नहीं, वो मुस्लिम शासकों ने तोड़ दिया था। पहुँच गए। जय हो नर्मदा मैया। देखो यहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा है देखने में, नीचे का पहाड़ी से बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से। भावनाथ बाबा की पहाड़ी से हम देख रहे हैं तो बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि हम यहीं पे बैठे रहें, मन को अपार शांति मिलती है यहाँ बैठने से। ये मोर बोल रही ना महाराज जी? हाँ, मोर की आवाज़ है। यहाँ पे मोर भी मिलेंगे, कई प्रकार के पक्षी मिलेंगे आपको। जय हो नर्मदा। ये हम भावनाथ बाबा की टेकरी पे खड़े हैं और ये नागेश्वर महादेव का यहाँ पे पहले प्राचीन शिव मंदिर था जो मुस्लिम शासकों ने खंडित कर दिया था, और ये प्राचीन शिलाखंड पड़े हैं मंदिर के, और यहाँ पे भावनाथ बाबा की स्थापना की गई है। भावनाथ बाबा हैं यहाँ पे। भावनाथ बाबा ऐसा लगता है जैसे नागेश्वर महादेव को ही भावनाथ बाबा कहा जाता है, और भावनाथ बाबा के पास जो भी आता है भावनाएँ लेके उसकी भावनाएँ पूरी होती हैं ऐसा कहा जाता है। हम ये पुरानी मूर्तियाँ दिखा रहे हैं आपको, काफ़ी प्राचीन मूर्तियाँ हैं, ये पांडवकालीन है दिखा रहे हैं हम। ये झंडा है उनके सामने लगा, पूजा कर रहे हैं। देखो, जय हो जय हो जय भोले बाबा की, जय हो भावनाथ बाबा की। सब मूर्तियाँ हैं ये, पुराने शिलाखंड। ये पेड़ भिलमा का पेड़ है और इसका फल खाते हैं, बहुत ही खट्टा मीठा लगता है। ये भावनाथ बाबा की टेकरी पे बिल्कुल भावनाथ बाबा के सामने ही मिलेगा आपको। काफ़ी मनोरम दृश्य लग रहा है यहाँ से देखने में। माँ नर्मदा जी हो, भावनाथ बाबा की टेकरी हो, चारों तरफ सिद्ध स्थल हैं हमारे, चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी है, अपार शांति मिलती है मन को, ऐसा लगता है कि हम यहीं पर बैठे रहें।
जय हो नर्मदा मैया की, जय हो माता जी की। ये हमारी माता जी हैं यहाँ पे, ये भावनाथ बाबा की टेकरी है। और ये बताते हैं कि नागेश्वर महादेव का यहाँ मंदिर था, पुरापाषाणकालीन मंदिर था ये। पुरापाषाण काल के शिलालेख हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, पाषाण हैं यहाँ पे ये पुराने, वो काफ़ी पुराना मंदिर है ये। ये मुसलमानों ने, मुस्लिम शासकों ने पूरा तहस नहस कर दिया था, तोड़ दिया था। जे हो, ये क्या बने हैं महाराज जी? ये पुरापाषाण है, ये सब मंदिर के पत्थर हैं ये। ये देखो आप, ये मंदिर के पत्थर हैं, ये पूरी मंडी के पत्थर हैं ये। वो उधर बावरी बनी हुई है, ये भी देखो, ये भी पुराने ही हैं, ये भी बहुत काफी पांडव कालीन है ये भी सब। ये आप यहीं के हैं? ये तो बुवाड़ी की है। ये क्या था? है ये पुराने जमाने की कुइया है। यहाँ पे ये कुआ था यहाँ पे, अब तो ये पूर दी गई है ना। तो यहाँ के बारे में क्या कुछ इतिहास आप थोड़ा सा बताएंगे भाई साहब? नहीं है, वो पुराने जमाने की है वो। हाँ, बनी हुई है यहाँ पे, लोग बताते पहले पानी पीते थे इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर पुर चुकी है वो। हाँ, फिर उसके बाद बंद, लोग दर्शन करने करते आते हैं इसको करने। अच्छा, दर्शन करते हैं। और बताते हैं यहाँ पे बहुत धन निकली थी कुछ, कुछ लोग आए वो बताओ ना। हाँ, कुछ लोग आए थे यहाँ पे, निकाल नहीं पाया, उसमें धन बहुत थे उसमें अंदर। अच्छा, तो धन निकला था फिर? हाँ, इसमें निकला पर लोग रोक ही नहीं पाया उसको। अच्छा, निकाला पर वो रोक नहीं पाया उनसे, मतलब वो अपने आप वापस चले गया, अपने आप वापस अंतर ध्यान हो गया पूरा। हाँ, धन कोई निकाल नहीं पाया उसको। अच्छा, कोशिश बहुत करते हुए निकाल नहीं पाते। अच्छा, निकाल नहीं पाते, चमत्कार हो जाता है यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, पुरानी कुइया है यहाँ पे ये बाबा की। ये पुराने सब मंदिर के शिलालेख हैं, ये शिलाखंड है मंदिर के। ये मंदिर का ही है मंदिर जो टूटा होगा? हाँ, मंदिर नागेश्वर महादेव का जो मंदिर था वही है ना। ये पूरे पत्थर के हैं, ये बने हुए हैं। पुरातत्व स्थल है ये। ये भी जो कुछ अंग्रेजी में लिखे ये भी कुछ पत्थर हैं, ये भी कुछ कोई अलग भाषा में लिखे हुए हैं, कुछ चिन्ह बने हुए हैं ये, क्योंकि नागेश्वर महादेव का मंदिर था तो ये सब उन्हीं के पाषाण खंड हैं ये। जो आसाम के लोग का समझ नहीं पाते ये सब है। ये डंडा बना हुआ है, ये गिल्ली है। अच्छा, डंडा कौन सा है? ये वाला। अच्छा, ये पूरा डंडा है, ये अर्जुन भीम यहाँ पे गिल्ली डंडा खेलते थे। हाँ, ये डंडा है, ये गिल्ली है, खंडित हो गई है, तोड़ दी है लोगों द्वारा। गिल्ली है, ये डंडा ये होगा। हाँ, ये डंडा है। अच्छा, ये मोर का पंख है, ये मोर भी बहुत है यहाँ पे। अच्छा, ये जो है ये क्या है? ये कोई मंदिर का ही। हाँ, वो है शिलाखंड है ये। हाँ, मंदिर के ही देवी जी का बना हुआ है, देवी जी का ही है पूरा, उसमें देवी प्रतिमाएं हैं। हाँ, पीछे से ले रहे हैं हम ये डंडा है। ये अपन सीमेंट का सोच रहे थे, सीमेंट नहीं है, लोग पत्थर ही है ये। ये अपन सोच रहे थे कि सीमेंट का बना है, लेकिन ये पत्थर है, ये पत्थर ही है ये। ये गिल्ली है ये वाली, ये टूट चुकी है ना, खंडित हो गई है। और ये डंडा है, ये भी अर्जुन भीम के गिल्ली डंडा है, गिल्ली डंडा खेलते थे यहाँ पे। और ये क्या है? ये पुराने जमाने के हैं, ये पांडव कालीन ही है, ये शिलाखंड है, ये मंदिर की शिलाखंड लग रहा है मुझे तो। ये मुर्गा बना हुआ है। हाँ, सब खंडित हो चुके हैं ये, क्योंकि मुस्लिम शासकों ने बहुत ज़्यादा हिंदू मंदिरों को खंडित करा है। क्योंकि ये उस समय यहाँ से बड़ा नागेश्वर बहुत प्रसिद्ध मंदिर था औरंगजेब के टाइम, तो औरंगजेब ने ये खंडित करा था, उसने ही तोप से उड़ाया था मंदिर को, है ना। हाँ। अच्छा, ये मुर्गा बना हुआ है इसमें, ये क्या है? ये मुर्गा है, दिख रहा है इसमें? क्लियर नहीं आ रही फोटो। अच्छा, ये मुर्गा बना है। वो समझ में नहीं आ रहा इतना अच्छे से, उधर भी बना होगा जैसे सब पाषाण का, पूरा पाषाण कालीन पत्थर हैं सब। ये मुर्गा बना है, ये क्या बना? मुर्गा ही है, यहाँ से देखो आप। हाँ,
पे उसकी मुंडी है, फिर चौरा है सामने। हाँ वो दो पेड़ हैं वो। अच्छा यहाँ से दिख रहा है। जय हो नर्मदा मैया की जय। ये भावनाथ बाबा की टेकरी से हम देख रहे हैं। पांडवों ने नर्मदा जी को रोकने का प्रयास किया था, मगर नर्मदा जी उनसे रोक नहीं पाई। बाकी जो पत्थर डाले ना वो पांडवों ने ही डाले नर्मदा जी किनारे में। अच्छा वो उन्होंने ही डाले रोकने के लिए। और ये बताते हैं कि ये एक तगारी मिट्टी है, ये पहाड़ी जो बनी है ना पांडवों की माता जी ने कुंती जी ने एक तगारी मिट्टी डाली जिसकी पहाड़ी है। अच्छा ये इसी ये भावनाथ बाबा की पहाड़ी कहलाती है। ये भावनाथ बाबा की पहाड़ी कहलाती है। अच्छा इस पांडवों के हाथ होता है तो यहाँ पे बावड़ी भी थी, यानी कुआ भी था वहाँ। हाँ कुआ है, अभी हमने देख के आए वहाँ। और ये मंदिर क्या मालूम किस पर कहाँ से आते हैं, हमने देखा है अपने यहाँ आते हैं रेड़ा वाले काफी लोग आते हैं, मतलब दो चार गाँव से जुड़ा हुआ है ये। गलत काम करते हैं तो जो भावना लेके आते हैं 15-15 दिन महीना भर पानी निकलता है तो वो भावना लेके आते बकरा चढ़ाते जो भी कबूल न करते हैं तो वाकई वो भीनते हुए वापस आते हैं। पान प्रसाद जो भी चढ़ाते हैं वो भीनते हुए वापस आते। मतलब सिद्ध स्थान है। सिद्ध मतलब शेर और पुजारी एक ही साथ रहते थे। वो शेर उसी में नहीं, वो शेर तो जंगल का था। हाँ मगर वो जंगल से कहीं से भी घूम घाम के खा पी के आता था तो वो गुफा में, और वो बाबा सोए रहता था, बाबा की छेड़ नहीं करता था। अच्छा वो गुफा में शेर रहने लगा था बाद में। गुफा में शेर रहते ही था, शेर ही रहता था उस गुफा में। शेर की गुफा है ही वो। पांडवों ने 12 साल तो पैसे करी नर्मदा जी की भोलेनाथ जी। हाँ अब अमास नहीं पड़ी तो उनने कहीं शराब दे दिया के अब साल में 2 दान पड़ गई। हाँ तो 2 दान पड़ जा, 3 दान पड़ जा। हमारे 2 दान पड़ने लगी। हाँ हाँ पहले नहीं पड़ती थी। सोमवती 12 साल लेकिन करीम तपस्या उनने उसी के लिए 12 साल अमास आई थी। हाँ तो माँ नर्मदा मैया की भी तपस्या करी है उन्होंने। हाँ नर्मदा जी की करी, भोलेनाथ की करी, भोलेनाथ की भी करी। हाँ हाँ अच्छा ये भावनाथ बाबा जो हैं जो भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ का रूप में भोलेनाथ है वो नागेश्वर मंदिर था, वो भावनाथ बाबा पड़ गए। जो भाव लेके जाएगा वैसी श्रद्धा पूरी होती है। और यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है, आते हैं लोग तो। हाँ अरे बाबा करेंगे वह भी। हाँ सब वो कर देंगे जो आपका दिल में जो है कि हम ये होना बाबा हमारा तो हो जाएगा वही। हाँ